गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास से जी हम लोग NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वन का मैथमेटिक्स मेजर पेपर जो है जिन बच्चों का, उनकी लिए आज से क्लास शुरू कर रहे हैं जी, है ना। आप सबको प्रीवियस के लेक्चर्स में, प्रीवियस के छोटे से वीडियो में हमने बताया था कि नीलांबर पीताम्बर NPU यूनिवर्सिटी में जी आप लोग को सेमेस्टर वन में 6 पेपर पढ़ना है कुल, है ना। हम प्रीवियस में ही बताए थे, आज भी थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, कुल हमको 6 पेपर पढ़ना है। 6 पेपर में जिन बच्चों का मैथमेटिक्स मेजर पेपर है उन लोगों का क्लास आज से हम शुरू कर रहे हैं, और ये सीरीज जो है कंप्लीट आपका कोर्स को कवर करेगा, ठीक है। थोड़ा सा फिर से एक बार दिखा दे बच्चों, देखिए आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये हम आपके ही यूनिवर्सिटी के सिलेबस को रीटाइप किए हैं जी, ठीक है। तो आप देखिएगा, सेमेस्टर वन है आपका BSc मैथमेटिक्स, और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप DMA एजुकेशन टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। और आप कंप्लीट कोर्स के लिए धनबाद मैथ्स एकेडमी, चूंकि मैथमेटिक्स है ना इसलिए हम लोग का ऐप का नाम है धनबाद मैथ्स एकेडमी। हम लोग धनबाद से सारा चीज़ रन करा रहे होते हैं, झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्सेज काम करते हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने कंप्लीट कोर्सेज के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आज ही आज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, नहीं, खूब सारे 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर यूट्यूब पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ से एकदम खूब अच्छे तरीके से समझिए कि हम लोग क्या बता रहे हैं, आपको क्या समझाया जा रहा है, उसके बाद कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए फिलहाल समझिए यहाँ पे जी, सेमेस्टर वन जैसे हम लोग को बताया था ना आपको कि कुल सेमेस्टर वन में देखिए नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू है ना जी। आप यहाँ पे देखिएगा, सेमेस्टर वन में कुल आपको 6 पेपर पढ़ना है, MJ1, Minor 1, MDC, SEC, VSC, AC, जैसे कि हम लोग नहीं क्लास 12th में मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स इस तरीके से पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर इंग्लिश इकोनॉमिक्स कंप्यूटर से अलग अलग कुछ कुछ चुनते थे बच्चे, कुछ लोग इकोनॉमिक्स चुनते थे, कुछ लोग इंग्लिश। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको जैसे ये MN हो गया, माइनर हो गया, MDC हो गया, ये सब में मौका मिलेगा चुनने का। पर मेजर पेपर जो है ना बच्चों, आप लोग चूंकि शुरुआत मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, ये आपका ऑनर्स का है, चाहे आप रिसर्च पेपर कह सकते हैं कि आप मैथ्स चुने हैं, मैथमेटिक्स मेजर पेपर, तो इसका सिलेबस हम प्रीवियस में बता ही चुके थे जी। सिलेबस आप देखिएगा तो मेजर पेपर का बात कर रहे हैं, माइनर पेपर नहीं, सिर्फ मैथ्स मेजर पेपर की बात कर रहे हैं। उसका सिलेबस पेपर का नाम है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या क्या चीज़ें हैं जी, कि यूनिट वन में डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अब ये क्लास 12 वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे हम लोग ऊपर से बात करें, यहाँ पे बहुत डेप्थ में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट वन है, यूनिट टू एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है, फिर यूनिट 3 कर्वेचर एसिम्प्टोट्स एंड कर्व ट्रेसिंग है जी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं बच्चों, बात समझे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक जी, ठीक है यहाँ तक कोई बात नहीं। अब एक बात जरा समझिएगा, अब चूंकि यहाँ पे हमें यूनिट वन, ये आपको 6 यूनिट आपको पढ़ना है सिलेबस में, है ना, अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट, आप जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटी है ना, सबसे बड़ा सिलेबस आप लोग का है, ठीक है। तो हम लोग फिर भी बहुत ही मिनिमम फी में कंप्लीट पैकेज है आपका, कंप्लीट कोर्स हम लोग करवाएंगे मैथमेटिक्स मेजर पेपर का, ठीक है। आप ऐप इंस्टॉल कर लिए धनबाद मैथ्स एकेडमी, और आज से स्टूडेंट हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे। हम समझेंगे बहुत बेसिक आइडिया से कि एक्चुअली में लिमिट है क्या भाई, कि एक्चुअली में जो लिमिट है ना वो एक्चुअली में है क्या। लिमिट को आज बच्चों में खूब डिटेल में बहुत प्रेम से हम लोग पहले लिमिट को समझेंगे कि लिमिट एक्चुअली में है क्या, उसके बाद लिमिट के बाद फिर हम लोग कॉन्टिन्यूटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा सा हम आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी बताएंगे, हालांकि वो सिलेबस में यहाँ नहीं कहता है, पर हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आगे बहुत 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 उपयोग है, इसीलिए बच्चों उसे हम लोग जानेंगे। तो एकदम विश्वास कर सकते हैं, हम लोग पिछले 6-7 साल से झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमने टॉपर्स दिए हैं, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो स्टूडेंट आज की क्लासेस शुरू करें, लेकिन बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए होता क्या है ना कि ग्रेजुएशन है भाई, भले आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से सारे कर रहे हैं, लेकिन है तो ग्रेजुएशन ही ना, है ना, ग्रेजुएशन ही है। अब होता क्या है कि यही सारा सिलेबस ना बाकी जैसे आपका रांची यूनिवर्सिटी हो, या विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग हो, चाहे BBM के धनबाद हो, चाहे और अदर यूनिवर्सिटी हो, यही सारे टॉपिक्स जो है थोड़ा कुछ इधर इस सेमेस्टर कुछ उस सेमेस्टर थोड़ा चेंज कर करके दे देता है, तो इसे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम जैसे अभी मान लीजिए अभी जो हम आपको ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो ये आपके लिए तो डेडिकेटेड कोर्स होगा बच्चों, लेकिन यही चीज़ ना BBMQ में भी पढ़ना है, यही चीज़ VBU में भी पढ़ना है। तो कभी कभी ऐसा मेरे मुँह से आप सुनेंगे लेक्चर्स के दौरान कि हाँ जी BBMQ वाले सेमेस्टर 3 के बच्चे, VBU वाले सेमेस्टर 2 के बच्चे, है ना। तो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है, ये आपका सिलेबस है और आपके लिए डेडिकेटेड कोर्सेस है, जो आपको दिया जा रहा है, जो आपके कोर्स में दिया जाएगा वो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, और आज हम बात करेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में बच्चों,
ठीक है जी, चलिए क्लास शुरू करते हैं लिमिटेड कॉन्टिन्यूटी का यहाँ से। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग। ठीक है, जल्दी से लिखिए। सबसे पहले टॉपिक है आपका लिमिट ऑफ फंक्शन। आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोग के साथ कि बहुत सुंदर तो है। देखिए, हाँ, एक स्टूडेंट कह रहा है कि YouTube में कितना दिन तक क्लास होगा। देखिए, YouTube में भी क्लासेस होगा, एक दो तीन क्लासेस YouTube में करेंगे, जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हम अरेंज कर पाए, है ना। इस वजह से हम लोग को एप्लीकेशन में स्विच करना होता है, वहाँ पे कुछ मिनिमम फी पे करना होता है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर सकते हैं। फिलहाल अभी यूट्यूब पर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे आप लोगों को कि कॉपी में हमेशा साफ साफ लिखना है, क्योंकि शुरुआत का ही दो चार क्लासेस डिसाइड करता है कि आप पूरा पेपर कैसे समझने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत धीरज रखते हुए इसको कंटिन्यू करना है। देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन दिया, और फंक्शन तो आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे फंक्शन क्या होता है। मतलब फंक्शन कह सकते हैं कि एक रिलेशन जो कुछ इनपुट डाला जाए तो आउटपुट दे दे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ में समझिए आप, जैसे कि हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक फंक्शन है fx = y = fx = ऐसा मान लीजिए कि 2x2, एक फंक्शन इस तरीके से। ठीक है, y = fx = 2x2 एक फंक्शन है, सिंपल सा बेसिक सा फंक्शन है। इसमें खास बात क्या है कि आप यहाँ पे कुछ पुट करिए, आप जैसे मान लीजिए x = 1 पुट करिए, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। और क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे 1 पुट कर रहे हैं तो ये जो रिलेट कर रहा है 2 से रिलेट कर रहा है। आप यहाँ पे 2 पुट करके देखिए, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो ये 2 पुट कर रहे हैं तो ये 8 से रिलेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फंक्शन है, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये रिलेट कर रहा है किससे, 2 से। यहाँ पे जो फंक्शन f है, 1 पुट कर रहे तो 2 से रिलेट कर रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 8 से रिलेट कर रहा है। मतलब कुछ चीजें पुट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आंसर दे रहा है, यही ना होता था फंक्शन। फंक्शन तो हमने प्रीवियस के क्लासेस में पढ़ा है। फंक्शन क्या था, एक रिलेशन होता है एक सेट से दूसरे सेट में, बस थोड़ा स्पेशल टाइप का रिलेशन कि हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट दे, इसे ही हम लोग कहते थे फंक्शन। तो सबसे पहला बेसिक सा डेफिनेशन हमारा यही होता है कि फंक्शन है क्या। तो जल्दी से फंक्शन को लिखिए कि फंक्शन है क्या। सबसे पहला डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, फंक्शन क्या है, लिखिए। तो बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन हम लिखवाना चाहेंगे ताकि ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग फंक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं जी। देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखिए फंक्शन क्या है। तो लिखिए, फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन, लिखिए फंक्शन। उसके बाद हम उसकी लिमिट पे बात करेंगे। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट between a set of inputs having one output each, देखिए और भी बहुत सारे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, पर हम बस एक आइडिया देना चाह रहे हैं। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। क्या बोला गया है, अब फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। फंक्शन जो है रिलेशन के रूप में डिफाइन होता है, जो कुछ इनपुट्स को, हर एक इनपुट्स को आउटपुट से रिलेट कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल जल्दी से देख लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि y = fx पता ही होगा, y लिखिए चाहे fx लिखिए एक ही बात है। अब fx का मतलब कि क्या, जैसे हम एग्जाम्पल दे दें 2x, ये हो गया, तो ये एक फंक्शन हो गया, क्लियर। अब एक चीज और भी बात होता है कि फंक्शन में कुछ खास बातें होती है कि क्या क्या हम चीजों को पुट कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप 1 पुट करिए, कोई प्रॉब्लम है क्या, 1 पुट करेंगे y का वैल्यू 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 पुट करिए 4, मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1 पुट करने का मतलब कि x के जगह पे 1 रख रहे हैं, वैल्यू कितना आएगा आंसर 2। 2 पुट करके देखिए, 3 पुट करके देखिए, 4 5 1.1 1.3 माइनस में पुट करिए, कोई नंबर पुट करिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पुट कर सकते हैं। तो जो चीज हम पुट कर सकते हैं, जो कलेक्शन पुट कर सकते हैं, उस कलेक्शन को रेंज डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। और जो जो वैल्यू आता है उसके कलेक्शन को रेंज कहते हैं। ये सब बातें हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर से वापस से डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये एक फंक्शन हो गया। अब एक दूसरा फंक्शन हम और बताते हैं आपको, y = sin x, ये भी एक फंक्शन है।
आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ये साइन फंक्शन है। इसमें भी एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी, 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं और साइन का वैल्यू आता है। तो मतलब इसके बारे में भी हम लोग पहले से परिचित, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आएगा जरा समझते हैं पहले थोड़ा सा, इसके पहले थोड़ा सा हम इसको इसके ग्राफ को भी आपको बता दें क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। साइन का ग्राफ देखिए, आप सभी बच्चों को पता होगा साइन का ग्राफ क्या होता है कि साइन जीरो पर क्या होता है, जो जीरो होता है उसके बाद ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलते ही जाएगा, फिर ऐसे 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 चलते ही जाएगा। यहाँ पर होता है जीरो डिग्री, साइन जीरो पर जीरो, फिर पाई पर जीरो, फिर टू पाई पर जीरो, फिर यहाँ पर माइनस पाई पर जीरो, है ना, यहाँ पर माइनस पाई पर जीरो। तो ये साइन का ग्राफ होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। मुझे लग रहा है कि आप फंक्शन से एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन जस्ट एक रिलेशन है जो एक इनपुट से दूसरे आउटपुट में ले जाए, एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है। इसको थोड़ा सा और समझ ले तो हम यहाँ पर नोट करके थोड़ा सा आपको बताएं कि फंक्शन को हम लोग बेसिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कुछ इस तरीके से कि भाई एक सेट जो इनपुट्स का सेट है, जैसे यहाँ पे क्या हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते थे, कुछ कलेक्शन आएगा तो जो पुट कर सकते हैं वो यहाँ हम कहते हैं कि फंक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब इसके वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें आ रहा है, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, और जिस जिस पर आता है उसके कलेक्शन को रेंज बोलते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो हम डिटेल में बताएंगे, फिलहाल यहाँ तक ठीक था कि इस फंक्शन में हम सारा चीज पुट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, इसमें भी सब पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा नोट के साथ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग मुझे बताइए, एक फंक्शन हम छोटा सा लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि लेट, एकदम ये आपका कोर कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान रखना है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, बहुत ही बेसिक सा कॉमन सा एग्जाम्पल है। अगर हम आप सबसे पूछें, सभी बच्चों से पूछना चाहते हैं कि इस फंक्शन में अगर हम एफ ऑफ जीरो निकालना चाहेंगे तो आंसर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताइए। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका आंसर करें। इस फंक्शन में अगर हम जीरो पर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा आंसर, बताइए। यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन है, हम ये क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई फंक्शन क्या था, जस्ट एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन, मतलब कुछ पुट कर रहा है कुछ आ रहा है, कुछ सेट कुछ इनपुट दे रहा है आउटपुट आ रहा है। दिस इज फंक्शन, फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशन भी है, आगे सब समझेंगे हम लोग। फिलहाल बताइए कि इसका एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आएगा, चलिए बता रहे सभी लोग। बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। एक है घोष्ट नाम है उनका, चलिए हाँ बहुत अच्छा। तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा जी, वन आएगा, ठीक है बहुत सही। कैसे निकाला आपने एफ ऑफ जीरो का, मतलब जैसे एक्स के जगह पर जीरो पुट कर रहे हैं, मतलब एफ ऑफ जीरो पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी पुट करिए, जीरो का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ जीरो माइनस वन, और आगे बढ़ाएंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन बाई जीरो माइनस वन। अब आपको तो जीरो में से माइनस वन जाएगा तो माइनस वन, नीचे भी जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन, ये माइनस माइनस कट गया, बचेगा वन बाई वन, वन बाई वन मतलब वन, वन बाई वन मतलब वन हो गया। तो हम जो समझाना चाह रहे थे, ठीक है जी, कि इस फंक्शन का हम जीरो पर वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस फंक्शन का जीरो पर वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी चीज का अगर आप निकालना चाहें जैसे ही वन पर, तब आएगा थोड़ा सा दिक्कत। आप वन पर वैल्यू निकाल के देखिए, इसका वन पर जैसे ही निकालने जाएंगे ना तो क्या होगा, वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो जैसे ही ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो बाय जीरो। और आप सभी को पता है, आपने 11 12th में पढ़ा होगा इस चीज को, कि जीरो बाय जीरो इज इनडिटरमिनेट फॉर्म या अनडिटरमाइंड फॉर्म। अब इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट, भाई वन पुट करने से मुझे पता ही नहीं चला क्या होगा। अभी सुनिए थोड़ा सा और, एफ ऑफ जीरो हमने पुट करा, आया था आंसर वन, वन पुट करे पता ही नहीं चला हमें, जीरो बाय जीरो आ गया। अब टू पुट करके देखिए, इसमें एफ ऑफ टू पुट करके देखिए कितना आंसर आएगा, थ्री, चेक कर लीजिए आप। टू पुट करेंगे ना, जैसे ही टू का स्क्वायर फोर में से वन गया थ्री, टू में से वन गया वन, तो थ्री बाय वन, थ्री बाय वन मतलब थ्री, वन जीरो पे वैल्यू आ रहा है, वन पे पता नहीं मुझे, टू पे आ रहा है। इसको नंबर लाइन पे थोड़ा देखेंगे, लिखना नहीं है अभी। जीरो पर वैल्यू वन है, टू पर वैल्यू थ्री है, इस पे सिर्फ मुझे नहीं पता है, मतलब यहाँ पे वन पे पता ही नहीं चल रहा है कि वन पे वैल्यू क्या होगा, जीरो बाय जीरो, ये तो अनडिटरमाइंड हो गया ना, वन पे मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो देखिए एक बार फिर से सुनिएगा, जीरो पर फंक्शन का वैल्यू वन आया, हमने निकाला, 0.1 पे चलेंगे वहां पे भी आएगा वन, इस आगे बढ़ते जाएंगे, बस यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, वन पे क्या गया, अनडिटरमाइंड फॉर्म है फंक्शन का,
तो इसी चीज को इवेल्युएट करने के लिए ऐसे सिर्फ 0/0 ही नहीं, ऐसे टोटल 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म है, हम लिखवाएंगे टोटल 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म है जहां पे हमें पता ही नहीं चलता कि अब क्या होगा, क्योंकि भाई 0/0 आ गया, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन का 1 पे वैल्यू होगा क्या, उसी को पता करने के लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, ऐसे सिचुएशन में जहां पे अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाए 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 का पावर 0 और भी ऐसे है, टोटल 7 है लिखवाएंगे सब, अगर ऐसा अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाता है तब जाकर के हम लिमिट से मदद मांगते हैं, लिमिट्स का मदद लेते हैं और बता पाते हैं कि 1 पे एग्जैक्टली वैल्यू क्या आने वाला है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, मतलब 1 पे वैल्यू मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये बताता है मुझे लिमिट। थोड़ा सा और हम आपको समझाना चाह रहे हैं इस फंक्शन में, कुछ ऑब्जर्वेशन करवाना चाह रहे हैं ताकि हम लिमिट को फील करवा सके, लिमिट को हम लोग समझ सके कि लिमिट एक्चुअली में है क्या। थोड़ा सा नंबर लाइन पाइए, यहाँ पे हमारा नंबर लाइन, यहाँ पे इतना सा नंबर लाइन हम दे देते हैं, ठीक यहाँ पे हम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे बात क्लियर है, 0 है मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है और बीच में मान लेते हैं कहीं पे 1 है। हम सभी को पता है कि हमने 0 पर निकाला कितना आया था, 1 आया था, मतलब हमने फंक्शन का वैल्यू 0 पर निकाला कितना आया था, 1 आया था। ठीक, यहां तक क्लियर है, आप लोग एकदम ध्यान से लिख सकते हैं इस चीज को। अच्छा जी, फिर उसके बाद थोड़ा सा 0.1 पे निकाल के देखिए, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ पे 0.1 पे निकालिए, आपको पता है कितना आएगा फंक्शन का वैल्यू, 1.1 के अप्रॉक्स। आप करिए 0.1 का स्क्वायर माइनस 1 तो क्या आएगा 0.1, फिर यहां से करिएगा 0.1 माइनस ये, तो अप्रॉक्स आएगा यहाँ पे 1.1 के अप्रॉक्स। ठीक है, फिर और थोड़ा सा आगे आते हैं, 0.2 पे निकालते हैं हम, यहाँ पे 0.2 पर, ये हमने क्योंकि पहले से कैलकुलेट कर रखा है इस एग्जांपल को, इसलिए हम डायरेक्ट बता पा रहे हैं। फिर आप देखेंगे आ रहा है आपका 0.2 पर, जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1.2 आएगा, क्या आएगा इस पे, 1.2 आएगा। इसी तरीके से 0.3 पर निकालेंगे आप, 1.3 आएगा, 0.4 पर निकालेंगे, 1.4 आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप यहाँ पे आएंगे 0.9 पे निकालेंगे ना, आएगा 1.9, क्या फंक्शन का वैल्यू 0.9 पे निकालेंगे, आएगा 1.9। और सुनिए, आप एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करिए, 0 पर फंक्शन का वैल्यू मिला, कुछ मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0.1 पे मिला, 0.2 पे मिला, 0.3 पे, 0.4 पे, 0.5 पे, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 पे भी वैल्यू मिल रहा है, 0.9 पे मिल रहा है 1.1, सॉरी 1.9, 0.99 पर भी मिलेगा, 0.999 पर भी मिलेगा, 0.99999, कितना भी क्लोज चला जाएगा फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है। दिक्कत कहाँ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है 1 पर, दिक्कत कहाँ हो रहा है, दिक्कत जैसे ही 1 पे निकाले तो दिक्कत हो जा रहा है हमें किस पे, जैसे ही यहाँ 1 पे निकालने गए प्रॉब्लम हो जा रहा है, अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो क्या स्टूडेंट हम लोग ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्या कि अच्छा जी यहाँ पे आए थे 1 था, थोड़ा आगे बढ़े 1.1 हुआ फंक्शन का वैल्यू, और आगे बढ़ रहा है, 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 इसके नजदीक तक, एकदम पूरा नजदीक तक पहुंच जाइए, उसके बाद पता कर लीजिए कि अच्छा जी 1 पे ना प्रॉब्लम हो रहा था, 1 से बहुत नजदीक, पूरा सामने, उस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं क्या कि वहां पे क्या होगा। इसी चीज को कहते हैं लिमिट। अब 1 को हम जा रहे थे किधर से जी, लेफ्ट तरफ से ना जा रहे थे, यही चीज कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझिए, देखिए 1 के इधर ना लेफ्ट है, तो 1 के लेफ्ट तरफ से जा रहे थे और फंक्शन का वैल्यू देखिए ना, 1 हुआ, 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, 1.3, 1.5, 1.9 तक हुआ, 0.9 पे 1.9, 0.999 पे 1.999, 0.9999, 1.999 वैल्यू है। आप नोटिस कर रहे हैं कि जब हम x का वैल्यू, मतलब जो इनपुट है, जब हम इनपुट को 1 की ओर ले जा रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू 2 की ओर जा रहा है, इसी को कहते हैं लिमिट। लेकिन कैसा वाला लिमिट, क्योंकि लेफ्ट तरफ से जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यही चीज 2 से ऐसे करके जाते हैं तो राइट हैंड लिमिट होता है। तो फिलहाल इस चीज को हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, चलिए इसको जल्दी से हम लोग लिखें कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, लिखेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि 10, हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि 10 जब x 1 को जा रहा है किधर से, नेगेटिव साइड से। अब ये सिंबल भी थोड़ा सा समझना है, x x का मतलब इनपुट जो हम पुट कर रहे हैं वो वाला, x मतलब वही ना जो इनपुट पुट कर रहे हैं जी, मतलब 0 हुआ, 0.1 वही चीज। तो x जब 1 को जा रहा है इनपुट किस साइड से, 1 के छोटे साइड से, मतलब आपको पता है नंबर लाइन में खास बात की, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से इधर क्या होगा, उससे कम होगा, मतलब उससे कम, नेगेटिव, उससे कम होगा।
तो इसीलिए बोला जाता है कि हम एक्स वन को जा रहे हैं लेकिन कहा नेगेटिव साइड से, इसलिए जस्ट सिंबल है, इसको माइनस ऊपर है, ये जस्ट सिंबल बता रहे कि वन को जा रहे हैं बट उसके पीछे तरफ से, बाएं तरफ से एक्स वन को जा, तो हमने देखा कि दस एक्स टेंस टू वन, देन हमने यहाँ पे देखा देन फंक्शन एफ एक्स जो है वो टेंड्स कर रहा है टू की ओर, ये सिंबल जो है एरो का सिंबल बताता है टेंड्स, टेंड्स का मतलब अप्रोच करना, डायरेक्टली नहीं हो रहा है वो, अप्रोच कर रहा है उसकी ओर जा रहा है, देखिए 1, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से डॉट डॉट हमने डॉट 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 यूज करा है, इस तरीके से 1.9, 1.99 तो अप्रोच कर रहा है टू की ओर, फंक्शन इनपुट का वैल्यू वन की ओर जा रहा है तो फंक्शन का वैल्यू टू की ओर जा रहा है। अब बहुत से बच्चे हो सकता है कुछ ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर अगर डायरेक्ट आपको निकालना है वन पर तो ये काट दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, पर वही तो है लिमिट निकालने का तरीका, आगे बताएंगे उसके बारे में, फिलहाल यहाँ पे आइए। तो हमने देखा ना कि अगर एक्स वन की ओर जा रहा है बाएं तरफ से तो फंक्शन टू की ओर जा रहा है, इसी सिचुएशन को कहते हैं लिमिट। तो लिखेंगे दिस सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस सिचुएशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखेंगे लिमिट x tends to 1 माइनस और यहां पे है एफ एक्स का वैल्यू 2, इसी को इस पूरे सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि x जो है 1 को जा रहा है लेफ्ट साइड से तो फंक्शन का वैल्यू 2 होने लग रहा है, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को ब्रैकेट में हम एल एच एल भी कहते हैं, थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ राहुल मेजर पेपर 4 भी पढ़ाएंगे यार, पहले मेजर पेपर 4 ना बहुत आसान है इसकी तुलना में, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं, बहुत सारे थ्योरीज पढ़ने हैं। तो मेजर पेपर 4 क्या है कि एक क्वेश्चन हम बताएंगे 10 क्वेश्चन आप बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्स अप्रोच किया तो फंक्शन अप्रोच किया, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, ये माइनस क्या है, ये जस्ट बता रहा है कि वो एक्स 1 को जा रहा है, इनपुट 1 को जा रहा है बाएं तरफ से, तो एफ एक्स का फंक्शन बोलते हैं, तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट अब जरा हम इस 2 पर निकालते हैं, फंक्शन का वैल्यू 2 पर निकालते हैं, और फिर अब इधर धीरे धीरे फिर 2 पर निकालेंगे, फिर 1.9 पे, 1.8 पे, 1.7 पे, ऐसे धीरे धीरे इधर से अप्रोच कराते हैं। तो देखिए अब हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, जरा समझिएगा यहां पे आप लोग, देखिए हम यहां पे लिखते हैं एंड, अब फंक्शन का वैल्यू किस पे निकालते हैं, एफ ऑफ 2 पर, आप सभी को पता है फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ 2 पर कितना आ रहा था, 2 निकालते, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, और नीचे में 2 माइनस 1 1 3 बाय 1, तो फंक्शन का वैल्यू 2 पर 3 आ रहा था। फिर थोड़ा सा निकालिए एफ ऑफ 1.9, यहां पर 2 पर कितना है फंक्शन का वैल्यू 3, 1.9 थोड़ा सा पीछे आ जाइए, 1.9 पे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 2.9, हमने कैलकुलेट करा है इस चीज को, आप लोग भी देख सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो एफ ऑफ 1.9 पर 2.9 है। फिर एफ ऑफ 1.8 पर निकालिए आप, 2.8 आएगा, इस तरीके से आप जब एफ ऑफ 1.1 आ जाएंगे, इस तरीके से 1.8 पे जितना आया 2.8 आया, इस तरीके से आप बढ़ते जाइए, यहाँ पे जब 1.1 पे निकालेंगे तो 2.1 आ रहा है, 1.001 और नजदीक आइए आप, एक चीज नोटिस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, इधर में x को इधर 1 की ओर ले गए, यहाँ पे इस तरफ से 1 की ओर जा रहा है, इधर 1 की ओर जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि f ऑफ 1.1 पे कितना आ रहा है 2.1। तो हम एक चीज स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि हम दाएं तरफ से जब अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड देखिए, इधर से राइट से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, तो भी फंक्शन का वैल्यू 2 की ओर आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी एक लाइन लिख सकते हैं कि 10, हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि 10 जब x 1 को जा रहा है, लेकिन किस साइड से, 1 के प्लस साइड से आ रहा है, 1 के ज्यादा वाले साइड से आ रहा है, तो लिखेंगे x tends to 1 बट ऊपर में 1 के ऊपर में प्लस का साइन दे देंगे ताकि पता लगे कि 1 को टेंस कर रहा पर प्लस वाले तरफ से, x tends to 1, तो इस केस में तब क्या हो रहा है जी, तब जो फंक्शन है fx जो है वो 2 की ओर आ रहा है इधर से भी, समझ पा रहे, x 1 की ओर आ रहा है उधर से प्लस साइड से, तो भी फंक्शन 2 की ओर जा रहा है, तो लिखेंगे दिस सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, This situation is represented by this situation is represented by, कैसे represent करते हैं इस situation को, कि limit x जो है 1 की ओर आ रहा है plus side से,
तो फंक्शन का वैल्यू जो हो रहा है वो 2 हो रहा है, और इसी को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन जो लिमिटिंग इसको देखिए था, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। आगे समझाएंगे कि भाई जो x इनपुट था वो इधर से आ रहा है, राइट तरफ से आ रहा है इसको, क्योंकि अच्छा एक बात आप लोग बताइए आखिर हम ये सब कर क्यों रहे थे? क्योंकि मुझे 1 पे पता करना था कि 1 पे होगा क्या, 1 पे डायरेक्ट निकाले तो 0/0 आ जा रहा था, दिक्कत था, इसीलिए हम पता करना चाह रहे थे। तो जब 1 पे हम इधर से जा रहे थे तो भी 2 की ओर जा रहा था, इधर से आ रहा था तो 2 भी की ओर, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा इस चीज को हम क्या कहते हैं पता है? इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो फाइनली हम यहां पे देख पाएंगे एक चीज यहां पे हेयर, हम थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल भी समझाना चाहते हैं, जरा देखिएगा ज्योमेट्री भी समझिए थोड़ा सा इसका कि यहां पे हुआ क्या है, यहां पे हुआ क्या है जरा इसको भी समझते हैं हम लोग। आप सभी बच्चों को पता है कि यहां पे क्या होता है 0 होता है, यहां पे होता है 1 और यहां पे कहीं पे होता है 2। ठीक, यहां पे मान लेते हैं हम ये है कहीं पे 1, फिर यहां पे हम मान लेते हैं 2 और फिर यहां मान लेते हैं 3। यहां पे प्रॉब्लम था और कुछ कहानी जो था ऐसे चल रहा था, कुछ कहानी ऐसे था और फिर ऐसे जाएगा। यहां पे 3 या 2 और यहां पे 1। अब थोड़ा सा समझिए ना हम यहां पे क्या बना रहे हैं। यहाँ पे अगर समझ गए तो पूरा सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और पूरा चैप्टर पूरा पेपर इसी क्लास पे डिपेंड करता है। देखिए हुआ क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है जरा देखिए, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, हमें 1 पर निकालना था, 1 पे प्रॉब्लम हो रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था 1 पे क्या होगा वैल्यू नहीं पता था, तो हमने 0 पर निकाला, 0 पर 1 आ गया, 0.1 0.2 धीरे धीरे इधर से बढ़ते गए। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें 0 पर निकाले वैल्यू कितना आया जी, फंक्शन जैसे 0 पर निकाले कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, निकाल दिया हमने। फिर 0 पर निकाले, 0.1 पे निकाले, थोड़ा ऊपर बढ़ा 1.1, 0.2 पे और ऊपर, 0.3 पे और ऊपर, 0.4 पे और ऊपर, धीरे 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 0.9 तक गए, 1 पे जा रहे हैं नहीं पता, हमें पता ही नहीं है 1 पे, देखिए हम बोल रहे हैं वहां पे सर्कल खाली है वहां पे कि उस पे हमें नहीं पता है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे इधर से जा रहे हैं 0 से 1 की ओर जा रहे हैं, तो फंक्शन भी किसी की ओर जा रहा है, यहां पे किसी की ओर जा रहा है फंक्शन। उसके बाद हमने देखा कि जब हम राइट तरफ से आ रहे हैं 1 की ओर तो भी फंक्शन किसी की ओर आ रहा है, और वो दोनों ही चीजों में सेम पॉइंट को आ रहा है जो कि यहाँ पे है, और वो कुछ और नहीं बल्कि 2 है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई मुझे डायरेक्ट उस पॉइंट पे दिक्कत नहीं, दिक्कत था, हमने इधर से अप्रोच कराया 2 को जा रहा है, उधर से अप्रोच कराया तो भी 2 को आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ उस पॉइंट पर लिमिट 2 होगा, और लिमिट कुछ और नहीं है, फंक्शन का वैल्यू ही है लिमिट, लिमिट कुछ नया चीज नहीं है। जैसे अभी हम बोल रहे थे क्वेश्चन f ऑफ 0 पर 1 आया, f ऑफ 2 पर 3 आया, जो वैल्यू आ रहा है फंक्शन का उसी को बोलते हैं लिमिट, जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है उसी को बोलते हैं लिमिट। तो आप समझ पा रहे ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा था? थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, देखिए इस चीज को हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, इस चीज को कर देते हैं थोड़ा सा छोटा हेयर, यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए हेयर, उसके बाद साइड में यहीं पे लिखिए आप लोग क्या लिखना है जी, कि दिस कैन बी रिटन एज, कि यहाँ पे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 हुआ, राइट हैंड लिमिट भी हुआ है 2, तो लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx का वैल्यू है 2। ये जरा समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखने का मतलब है कि फंक्शन x जो है 1 को आ रहा है, 1 को जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि दोनों तरफ से जा रहा है, कि लेफ्ट तरफ से जा रहे हैं तो भी, राइट तरफ से जा रहे हैं तो भी फंक्शन का वैल्यू 2 हो रहा है, इसका मतलब कि फंक्शन का लिमिट 2 हो गया, और लिमिट कुछ और नहीं है, लिमिट का मतलब फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर। बात को समझिएगा जरा, जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ दे एक fx है यहाँ पे दे दिया हम, fx इक्वल टू मान लीजिए x स्क्वायर दे दिए, आपसे पूछ दे कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू बताइए, अब बता सकते हैं जी, 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, बोलेंगे x इक्वल टू 5 पर वैल्यू बताइए, आप बता पाएंगे 5 पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, बता पाएंगे आप, लेकिन क्वेश्चन ही अलग था, क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और अब आप मैंने आपसे पूछ दिया कि x इक्वल टू 1 पर वैल्यू बताइए, आप वैल्यू नहीं बता पा रहे थे, दिक्कत हो रहा था हमें बताने में,
तो इस सिचुएशन में लिमिट का मदद लिए और हम क्या बोले, फंक्शन का वैल्यू आएगा 2। देख लीजिए हमने दिखाया ना जी, लेफ्ट हैंड से भी 2 आ रहा है, राइट से भी 2 आ रहा है, मतलब फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू मतलब लिमिट 2 आ रहा है, लिमिट कुछ और नहीं है, फंक्शन का वैल्यू ही है। लेकिन कौन वाला वैल्यू, जब अप्रोच करके पता करे तब वाले वैल्यू को लिमिट कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इस जैसे यहाँ पे 1 पुट, जैसे इस वाले छोटे छोटे फंक्शन में 1 पुट करने से 1 आ रहा है, 2 पुट, 5 पुट करने से 25 आ रहा है, इसमें लिमिट नहीं बोलेंगे। लिमिट कब बोलेंगे, तो फंक्शन का वो वैल्यू जो अप्रोच करने से आ रहा हो उसे लिमिट कहेंगे। तो चलिए, तो हम फाइनली यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं और हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि लिमिट इज द क्या है, लिमिट है क्या। तो लिमिट इज द स्टडी ऑफ अनडिटरमाइंड फॉर्म, 0/0 हमने पढ़ा, फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो थोड़ा सा हम नोट करके या लिमिट का डेफिनेशन ही लिखवा देते हैं चलिए, कि लिमिट है क्या। लिमिट का हम लोग जो हम लोग बेसिक जो शुरू किए हैं उसी का हम डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि लिमिट है एक्चुअली में क्या। तो लिखिए, लिमिट इज द स्टडी ऑफ अनडिटरमाइंड फॉर्म, लिमिट इज द स्टडी ऑफ अनडिटरमाइंड फॉर्म। और एक चीज है, अच्छा, अनडिटरमाइंड फॉर्म दैट इज करके लिख लीजिए कि कौन कौन अनडिटरमाइंड फॉर्म होते हैं जी। तो सबसे पहले लिखिए 0/0, ये एक अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये भी होता है। इन्फिनिटी-इन्फिनिटी होता है, फिर इन्फिनिटी × 0 होता है, फिर 0 का पावर 0 होता है, फिर इन्फिनिटी का पावर 0 होता है, फिर 1 का पावर इन्फिनिटी होता है। कुल 7, 1, 2 और ये मिलकर के हो रहा है 3, 4, 5, 6, 7। अभी अनडिटरमाइंड क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है। थोड़ा सा एक आइडिया जल्दी से दे दें। देखिए हमने क्या सीखा है जी, हमने सीखा था कि कहीं पे 0 से गुना कर दिया जाए तो 0 हो जाता है। सीखा था ना हमने, किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, मान लीजिए 2 को 0 से गुना किया है, 0 हो जाता है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, 0 को किसी से गुना करते हैं 0 हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी सीखा था कि किसी नंबर को, जैसे 5 कोई नंबर है, 5 के नीचे 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ये हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा था ना जी, किसी नंबर को 0 से गुना करें तो 0 हो जाता है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी हो जाता है। यहाँ पे कुछ वही बात हो रहा है, इसको जरा समझिएगा। यहाँ पे 0 × 1/0 लिख सकते हैं, बात तो वही है ना जी, 0 × 1/0 को 0 × 1/0 लिख सकते हैं। तो आप एक बात ये, यहाँ पे आप ये वाला रूल लगाएंगे कि ये वाला रूल लगाएंगे, दोनों ही आ रहा है। 0 से × हो रहा है तो क्या 0 लिख दें, 1 से डिवाइड हो रहा है क्या इसको इन्फिनिटी लिख दें, दिक्कत हो रहा है। तो ये बातें हैं, इसलिए अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं कि इसको हम डिटरमाइन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे सिचुएशन में लिमिट का मदद लेते हैं तब डिटरमाइन करते हैं। तो अब जरा और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या लिखा है, लिमिट इज द स्टडी ऑफ अनडिटरमाइंड फॉर्म, दिस इन अनडिटरमाइंड फॉर्म का स्टडी लिमिट कहलाता है। बट एक्चुअल डेफिनेशन लिमिट का क्या है जरा उसको भी लिखते हैं। देखिए, अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट क्या है जी, फंक्शन का वैल्यू, लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। लेकिन कौन वाला वैल्यू, जब इनपुट अप्रोच कर रहा हो सम वैल्यू। देखिए, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस। अप्रोचेस को हम लोग ब्रैकेट में टेंस भी लिख सकते हैं, अप्रोच करना मतलब टेंस करना, TENDS, टेंस करना, ठीक है। एज द इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू, एज द इनपुट अप्रोचेस अप्रोचेस सम वैल्यू, इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इसको देखिए, ये क्या कह रहा, कहना क्या चाह रहा है। अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट क्या है, फंक्शन का वैल्यू है। लेकिन कौन वाला फंक्शन का वैल्यू, और अब जो फंक्शन का वैल्यू अप्रोच कर रहा था, जरा इस एग्जांपल में आ जाइए, इस एग्जांपल को भूलना नहीं है, इस एग्जांपल को हम लोग बहुत जगह पर उपयोग करने वाले हैं। अभी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जब लिमिट की बात करेंगे ना, वहां पे बड़ा उपयोग करेंगे इसका हम लोग। देखिए, लिमिट का यहां पे फंक्शन, इसका लिमिट क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, और वो कुछ और नहीं था बल्कि अप्रोचिंग वाला वैल्यू था, कि 1 हुआ, 1.1, 1.2 इस तरीके से हो रहा था, 2 हो रहा था। तो वो अप्रोचेस वैल्यू होता है लिमिट, क्या कहा गया, अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस, कि फंक्शन जो अप्रोच करता है वैल्यू उसी को लिमिट बोलते हैं। लेकिन कब अप्रोच करना चाहिए, एज द इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू। जैसे वहां पे x 1 को अप्रोच कर रहा था तो फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा था और उसी 2 को लिमिट कहेंगे, ठीक है।
चलिए तो ये बात हो गया है, और इसमें हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। चलिए और आते हैं आगे, इसको हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं, इस डेफिनेशन में थोड़ा सा और बात करते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट। अब एक बात आप लोग बताएंगे मुझे, अभी एक एग्जाम्पल दिए हम, उस एग्जाम्पल में क्या था, फंक्शन का लिमिट कितना हो रहा था, 2 हो रहा था, लेकिन कब हुआ, हमने देखा कि जब x इधर से भी जा रहा है 1 को तो भी 2 आ रहा है, इधर से भी जा रहा है 1 को तब भी 2 आ रहा है, तो दोनों तरफ से 2 को जा रहा है, तब हम बोलेंगे फंक्शन की लिमिट 2 है। वही चीज हम क्या बात जनरल बात करना चाह रहे हैं कि लेट fx एक कोई फंक्शन है, लेट fx बी अ फंक्शन, fx बी अ फंक्शन, कि fx क्या है जी, एक फंक्शन है, लेट fx बी अ फंक्शन, द लिमिट ऑफ fx बी l, क्या द लिमिट ऑफ fx बी l, क्या मतलब हुआ इसका, जैसे उस क्वेश्चन में क्या था कि फंक्शन का लिमिट 2 था, कब था, जब इधर से भी 2 जा रहा था उधर से भी 2 जा रहा था फंक्शन को, मतलब इधर से 1 को अप्रोच कर तो भी फंक्शन 2, इधर से भी जा रहा था तो भी 2, वही बात क्या बोला गया है, लेट fx बी फंक्शन, fx कोई फंक्शन है, द लिमिट ऑफ fx बी l, l कोई नंबर होगा 2, 3 कुछ भी लिमिट हो सकता है, तो बोला गया है कि fx का लिमिट l होगा कब, जब x टेंड्स टू 1 a, x टेंड्स टू a मान लेते हैं, क्या द लिमिट ऑफ fx बी l एट पॉइंट a, बात को यहीं पे समझना है, बोला गया है कि फंक्शन का लिमिट l होगा, लिमिट मतलब समझ रहे हैं ना, फंक्शन का वैल्यू, कि फंक्शन का लिमिट l होगा पॉइंट a पर, जैसे वहां पे पॉइंट 1 पर बात हो रहा था, पॉइंट यहां a है, जनरल बात कर रहे हैं, द लिमिट ऑफ fx बी l एट पॉइंट a कब होगा, इफ, जरा ध्यान दीजिएगा, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx का वैल्यू ये भी l आ जाए, एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx का वैल्यू ये भी l आ जाए, तब बात समझ में आ रहा है, जैसे वहां पे फंक्शन का लिमिट 2 था कब, जब वही 1 को जा रहे थे, इधर से भी वही आ रहा था उधर से भी वही आ रहा था, तब जाके बोले थे, ठीक है। अब ऐसा भी तो बहुत से एग्जांपल आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, इधर से जा रहे तो 1 आ रहा है, उधर से आ रहे हैं तो 5 जा रहा है, तो उस समय बोलोगे भाई इसका नहीं बताया जाता, इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर, वही चीज यहाँ पे बोला गया, लेट fx बी फंक्शन, द लिमिट ऑफ fx बी l एट पॉइंट a, इफ कब होगा ये, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड देखिए माइनस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी l हो और राइट हैंड लिमिट भी l हो, तब इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दैट इज, या फिर लिख सकते हैं कि 10, ये भी कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 10 की लिमिट x टेंड्स टू a fx का वैल्यू l होगा, इसका वैल्यू l होगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कब, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और इसका दोनों का वैल्यू l के बराबर होता, बात सुनिएगा, यहाँ पे अंतिम लाइन क्या लिख दिए हैं हम, हमने लिखा 10, fx का x टेंड्स टू a पर लिमिट l होगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये x टेंड्स टू a पर a हो l होगा, कब होगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर l आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि लिमिट है क्या, पर अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, क्या हम लोग हर बार इतना मेहनत करेंगे क्या कि भाई यहाँ पे निकालें फिर धीरे 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 हर क्वेश्चन में ये कर पाएंगे क्या, मान लीजिए फंक्शन बहुत बड़ा दे दे, एक ही को निकालते निकालते 10 मिनट लग जाएगा, फिर दूसरा निकालते निकालते 15 मिनट लग जाएगा, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो अब पर उम्मीद है कि आपको आइडिया तो लगा होगा कि लिमिट है क्या, अब हम लोग तरीका भी समझेंगे लिमिट के बारे में। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट से बात कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट, कि एक तरफ का लिमिट, वन साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, वन साइडेड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, वन साइडेड लिमिट, क्लियर। चलिए तो हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर बाकी हम बताएंगे, आप सभी को बताएंगे ये भी कि भाई लिमिट एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, क्या क्या तरीका है ना, रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम लोग इन बेसिक्स के बाद एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बात करेंगे लिमिट का। चलिए सबसे पहले छोटा सा हेडिंग दे दिए, टाइप्स ऑफ लिमिट, मैंने बताया था ना, टाइप्स ऑफ लिमिट, जैसे दो टाइप्स के होते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फिर एक सीधा लिमिट कहेंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे नंबर वन में देखिए, इसमें लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट,
तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट था क्या, आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना? हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट समझ पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो लेकिन ब्रैडली की इट इज डिनोटेड बाय, इस लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं कैसे हम लोग, तो इट इज इट इज डिनोटेड बाय, इस लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं जी, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे नहीं करते हैं, एक तरीका और भी है, या तो आप ऐसे डिनोट कर लीजिए, या फिर एक तरीका और भी है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस जीरो। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर a माइनस जीरो क्यों लिखा आपने, a माइनस जीरो इससे अच्छा आप a लिख दीजिए, है ना? हो सकता है आपका क्वेश्चन आ रहा हो कि लिमिट आपने ऐसा क्यों लिखा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस रहे तो भी आप समझना है कि x a को जा रहा है, पर लेफ्ट साइड से, a से कम वाले साइड से। अब देखिए x इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस जीरो। a माइनस जीरो क्या मतलब, आपका हो सकता है सवाल ये हो कि a माइनस जीरो का तो घटा के क्यों नहीं लिख देते हैं, तो ये सब जोड़ घटा वाला जीरो नहीं है, ये जस्ट सिंबल है कि a से घटने वाले साइड से, a के कम वाले साइड से आ रहा है x, क्लियर? बस एक सिंबल है। और भी एक तरीका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने का, आगे हम समझाएंगे उसके बारे में, कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ये h क्या है समझाएंगे आपको, और यहां पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं, a माइनस एच। अब ये क्या हुआ, इसको थोड़ा देर के लिए धीरज रखिए, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तीन तरीके से आपको मिल सकता है, ऐसे डिनोट करेंगे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। ठीक इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट में चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, फिर हम इवैल्यूएशन बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज जल्दी से लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो यहां पे जो चीज एकदम सेम वही रह जाएगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, अगर इस वाले संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे तो a प्लस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे h टेंड्स टू जीरो, यहाँ a माइनस h की जगह पे a प्लस h हो जाएगा। सिंपल, जल्दी से लिखिए और फिर एक बार कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए बताइए क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, चलिए यहां तक सबको ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं स्टूडेंट हम लोग आगे और जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हालांकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने यहाँ पे देख लिया है, मुझे लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिए ज्योमेट्रिकली क्या अप्रोच होता है कि भाई इनपुट इस तरह की दोनों तरफ अप्रोच हो रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू अगर अप्रोच हुआ सेम पॉइंट को तो लिमिट एग्जिस्ट किया, सेम पॉइंट को नहीं हुआ तो बोलेंगे वन साइडेड लिमिट, यहाँ इधर से अलग आ रहा है, क्लियर? तो ये बातें थी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लिमिट के बारे में आइडिया लगा होगा। अब जल्दी से लिखिए इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, लिखिए तो जल्दी से इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इस इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में तीन तरीके से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं लिमिट को, मतलब अलग अलग मेथड से। नंबर वन हम एक जरा आपको मेथड बता दें, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर टू क्या है, नंबर टू में रेशनलाइजेशन मेथड। हाँ, रेशनलाइजेशन मेथड। और नंबर थ्री में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन करेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये सारी चीजें जो है आपको 11 12 में ही पढ़नी थी, पर हम चाह रहे हैं कि एक बार हम रिवीजन कर ले, उसके बाद फिर अपने एक्चुअल सिलेबस पे आएंगे जहां पे हम बात कर पाएंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के ऊपर। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आज ही सर से बात हुआ है, जो सिलेबस बनाए हैं, जो एचओडी हैं, जो जिन्होंने सिलेबस बनाया है उन्होंने ही कहा है। ठीक है, मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 पढ़ना है। फिर भी अगर ऑफिशियली अनाउंस करते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि आपके 22 से 26 सेशन में अगर कि MJ 3 पढ़ना है तो कुछ नहीं, हम लोग स्विच कर जाएंगे,
ऑब्वियस अभी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन में भी ये बातें हैं, ऑफलाइन भी हम लोग का सेंटर पे क्लासेस चलता है, तो हम लोग स्विच कर जाएंगे तब तो और आसान हो जाएगा ना, दो पेपर की जगह पे एक पेपर पढ़ना है, तो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, आप लोग पढ़िए, नहीं तो फिर अगर इसी असमंजस में रहेंगे, क्योंकि हम खुद आज बात किए हैं, रिकॉर्ड भी किए हैं सर का कि हाँ बात किया गया है, तो क्या पढ़ना है, तभी हम कन्फर्मेशन के साथ शुरू कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए एक असमेंट एक क्वेश्चन के साथ ना हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जी, एक क्वेश्चन के साथ इस तीनों मेथड से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ही क्वेश्चन को तीन मेथड से बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट, देखिए तो अभी जो हम बात कर रहे थे उसी क्वेश्चन को लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ fx की जगह पर ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इसी को आपको इवेल्युएट करना है, इसके आंसर्स निकालने हैं, सॉल्यूशंस करिए इसको जल्दी से, देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट। नंबर वन हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इस वाले मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड हम लगाते हैं सबसे पहले, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पे लिमिट को समझा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का अप्रोच क्या है, मेन एक्चुअल हम समझाना चाहते हैं कि लिमिट का है कॉन्सेप्ट क्या, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ना, बात करेंगे डेटा डेफिनेशन क्या कहता है, पर फिलहाल एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने 11 12 में खूब सॉल्व किया, ऐसा क्वेश्चन रहता था हम सॉल्व करते थे, तो एक उसका मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट जरा देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमें करना क्या है, हमें हमारे पास है क्या करने के लिए, हमारे पास ये लिमिट है इसी पे काम करना है, ले आइए सबसे पहले यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमने लिख दिया इसे, उसके बाद इस पे हमें क्या, देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का इनपुट पुट करे और फंक्शन का वैल्यू सीधा सीधा आ गया तो वही हो गया लिमिट, पर अभी आप नहीं पुट कर सकते, अभी आप जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ऊपर 0 नीचे 0, 0 बाय 0 खत्म, तब तो आप अभी तो पुट नहीं कर सकते, तो ये मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम ट्राई करेंगे क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो लिखिए आप लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, एक फॉर्मूला आप याद करिए, फॉर्मूला हमने एक पढ़ा था क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, यही ना हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, यहाँ पे वही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस का 1 और नीचे में क्या है एक्स माइनस का 1 है। अब एक बात बताइए आप लोग, अब ये फैक्टराइज जैसे ही ऊपर में हुआ तो एक्स माइनस 1 कट गया, फिर बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 और यहां बच रहा है x प्लस 2 सॉरी x प्लस 1 बच रहा है। अब आप सभी बच्चों को पता है कि लिमिट का मतलब कुछ नया थोड़े होता है, लिमिट का मतलब होता है फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन यहां पे x प्लस 1, अब x टेंस टू 1 करना मतलब x की जगह पर 1 पुट करना है, तो x 1 पुट करके देखिए तो अभी भी दिक्कत हो रहा है क्या, यहां पे तो दिक्कत हो रहा था तो नहीं पुट किए, यहां पे दिक्कत हो रहा था तो नहीं पुट किए, यहां पे पुट करके देखिए दिक्कत हो रहा है क्या, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे दिक्कत नहीं हो रहा तो डायरेक्ट पुट करके आंसर लिख देंगे 1 प्लस यहां पुट करिए 1 तो 1 प्लस 1 2 This is your answer. वैसे भी हमने देखा था ना उस वाले कॉन्सेप्ट से इधर से जा रहे थे इधर से जा रहे थे तो फाइनली हम लिमिट 2 निकाले थे। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड कितना छोटा कर दिया इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट बता पाए 2, तो 2 कुछ और क्या है, कुछ और नहीं है बल्कि 2 सिर्फ ये है कि इस फंक्शन में x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। क्लियर, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे तो लिमिट का मदद से बता पाए कि 1 पे फंक्शन का वैल्यू 2 आएगा, दिस इज कॉल्ड लिमिट। क्लियर, एक तरीके से जरा इस मेथड को आप समझ गए, रेशनलाइजेशन मेथड भी जरा समझ लीजिए, रेशनलाइजेशन मेथड क्या कहता है, इससे सेम क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए नंबर 2 सेकंड मेथड क्या, रेशनलाइजेशन मेथड, ये मेथड क्या कहता है, इसमें फिर से वही बात है कि लिमिट x टेंस टू हमारे पास 1 है और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, यही है ना, तो सबसे पहला यहाँ से चलना शुरू करेंगे और रेशनलाइज करने का मतलब सभी बच्चे जान रहे होंगे, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग सेम, यहाँ पे x माइनस 1 है तो जस्ट हम x प्लस 1 से गुना कर देंगे, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे जो चीजें पहले से x स्क्वायर माइनस 1 पहले से है रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे में x माइनस 1 है इसको भी रहने दीजिए, अब ऊपर गुना कर दीजिए आप x प्लस 1 से और नीचे भी गुना कर दीजिए प्लस 1, बेनिफिट क्या होगा कि भाई ऊपर और नीचे सेम चीज से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 1 ठीक रहेगा और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 ऊपर में है ठीक रह गया, अब नीचे गुना करिए एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
क्या होगा, a माइनस बी को जब a प्लस बी से गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर मतलब वन। देखिए फिर से वही बात हो गया ना, फिर से दो कट गया, ये दोनों इस बार कट गया, तो फिर से आपका वही बात हो गया, फिर से क्या हो गया, इसका आंसर फिर से वही आ गया। फिर से आप देखिए यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंस टू वन, और फिर यहाँ पर x पे देखिए यहाँ पे चलिए एक बार लिख ही देते हैं, और फिर फाइनली इसका आंसर आ जाएगा टू, फिर सेम वही बात हो गया। मेन हमको जो समझाना था कि ये दो मेथड्स अभी हमने सीखे, एक था रेशनल किसी भी लिमिट को इवेलुएट करने के लिए ये फैक्टराइजेशन मेथड, जो हर जगह काम करे जरूरी नहीं है, हर जगह आप कर सकते क्या, हर जगह पे ये फैक्टराइज हो ही जाएगा क्या, नहीं, हर जगह पे रेशनलाइज होकर के सही हो ही जाएगा क्या, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल मेथड यही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था ना अभी, जो अप्रोच करा रहे थे बहुत बड़ा सा, वही वाला मेथड है यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे एक थ्योरम, हमने इसी क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चन अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसमें हमने क्या सीखा था कि वन पे प्रॉब्लम हो रहा था तो वन से थोड़ा पीछे जाइए और पुट करिए, और फिर उसके बाद धीरे 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 आगे आइए, ये हमने सीखा था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो रहा था, फिर क्या किए थे हम कि इधर गए, वन से थोड़ा आगे गए और फिर पुट किए, धीरे 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 इधर आए, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए वापस से यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था नंबर लाइन थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों के लिए फिर से, हमने यहाँ पे सीखा था कि अगर वन है यहाँ पे, वन पे प्रॉब्लम कर रहा है तो वन से थोड़ा पीछे आइए आप कहीं पे, कितना पीछे आपके मन में सवाल आ सकता है, कितना पीछे था, जैसे वहां अब प्रैक्टिकल आपको समझा रहे थे तो वहां पे हम वन से पीछे आ गए थे, जीरो पर पहुंच गए थे, इधर आगे वन टू पे पहुंच गए थे, तो सवाल आता है कि आखिर कितना पीछे जाए, तो आप कुछ मत करिए, आप जाइए वन से कितना पीछे, वन माइनस एच पीछे जाइए, एच कितना बड़ा लेना है आपको नहीं पता, एच जस्ट एक वेरिएबल है। फिर से सुनिएगा, वन पे प्रॉब्लम था ना जी, तो वन से हम पीछे चले गए, कितना पीछे गए, वन माइनस एच पीछे। अब ये एच डिपेंड करता है, अगर एच हम वन ले ले तो कहां पहुंचेंगे, कोई मुझे कमेंट करके बताए, अगर हम ऐसा कर दे, बुक वगैरह भी बताए हैं यार हम लोग, बुक भी बताए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसका मतलब है ना, चैनल को सब्सक्राइब करते तो बिल्कुल आता है ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहते तो मेजर पेपर थ्री मेजर पेपर फोर कौन सा बुक लेना है, क्या क्या चीजें हो रही है, मेजर पेपर थ्री पढ़ना है कि फोर फाइव पढ़ना है, सब बताया है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, तब तो जानकारी रहेगा आपको। तो आप यहाँ पे बात जरा समझिएगा क्या बात हो रहा है, वन पे प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो वन से पीछे आते हैं, कितना पीछे आना है हमें, तो हम क्या कह रहे थे कि वन माइनस एच मतलब वन में से कुछ घटाइए पीछे आ जाएंगे। मान लीजिए कि हम h के जगह पर जीरो मतलब इतना पीछे आ रहे हैं, तो वन में से जब आप जीरो घटाएंगे तो यहीं पर रहेंगे, अब h के जगह पर वन ले लीजिए तो वन माइनस वन अब जीरो पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आप टू पीछे आ गए, वन से टू पीछे आ गए तो वन माइनस टू मतलब माइनस वन पे चले गए, ये एक बात समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं कि वन माइनस h आ गए, अब यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद जैसे हमने इतना बड़ा h लिया था, जैसे हमने इतना बड़ा h लिया है, उस h को धीरे 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 छोटा करते हैं, क्या करते हैं धीरे 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 h को छोटा करते हैं, यहाँ तो वन था वन माइनस एच यहाँ पे लिए थे, अब धीरे धीरे h को करते हैं छोटा, समझिए बात को, यहाँ पे वन था वन माइनस एच हो गया यहाँ आ गए, अभी इतना बड़ा h है, इस h को कर देते छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, h को टैंस टू करा देते हैं जीरो, मतलब इस h को धीरे 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 धीरे, जैसे अभी इतना बड़ा h है ना, इस h को इतना कर दिया वन माइनस एच यहाँ तक रहेगा, वन फिर और छोटा किया यहाँ यहाँ पे, h को धीरे धीरे जीरो करेंगे काम हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, वन से थोड़ा पीछे आना है, मतलब कि फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वन मत पुट करिए, वन के जगह पर क्या पुट करिए, वन माइनस एच पुट करिए, वन पुट करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, डिफाइंड नहीं था, वन माइनस एच पुट करेंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे यहां पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब यहां पे जो एच हो रहा है उसको धीरे धीरे जीरो कर दीजिए, तो ये जो आंसर देगा क्या यही है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यही हमने लिखा था क्या यहाँ पे, जरा देखिए तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा था, कहाँ गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए हमने यही ना लिखा था कि अगर ए पे निकालना है तो ए पे डायरेक्ट मत लिखिए, ए से थोड़ा पीछे ए माइनस एच करिए, लेकिन एच को फिर जीरो करें टाइम टू, तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, और फिर एकदम बड़ा अलग सा फॉर्मूला हम लोग बना देते थे 11 12 में कि भाई एक्स के जगह पर वन माइनस एच पुट करिए, क्यों पुट करना है समझ में आया, बीएससी में यही तो सीखना है, क्यों का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और क्यों ये जो रीजन है वो पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे वन माइनस एच क्यों पुट किए, क्योंकि मुझे वन पे प्रॉब्लम हो रहा था तो हम लेफ्ट तरफ से जाना चाह रहे थे, तो थोड़ा पीछे आने के लिए वन माइनस एच पुट किए, उसके बाद एच को जीरो कराने लग रहा है तब जाके वहां निकल जाएगा, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, तो फंक्शन में x के जगह पर 1 माइनस h पुट करेंगे, जो भी है लिमिटिंग पॉइंट अगर ये है तो a माइनस h 2 है तो 2 माइनस h पुट करेंगे और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। चलिए तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे वी हैव, हमारे पास क्या था, हमें निकालना क्या था, वी हैव हमारे पास था लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे मुझे निकालना x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 पे निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसको दो तरीके से निकालते हैं, पहले लेफ्ट तरफ से फिर राइट तरफ से। तो हम क्या करते हैं, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट, क्या f के जगह पर डायरेक्ट हम 1 नहीं पुट करेंगे, 1 माइनस h पुट करेंगे और फिर लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0, यही ना है। अब इसको अगर बहुत से लोग क्या लिखते हैं पता है, लिखते हैं सिंस पुटिंग, लिखते हैं क्या यहाँ पे पुटिंग 1 माइनस एच इन एफ एक्स की, एफ एक्स के अंदर हम 1 माइनस एक्स पुट किए हैं, उसके बाद लिमिटेशन जीरो करा दिए हैं। और अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था शायद कि सर क्वेश्चन में तो एक्स टेंड्स टू 1 था लेकिन आप एच टेंड्स टू 0 कैसे बदल गया, तो ये लॉजिक क्या था कि हम 1 से पीछे गए, कितना पीछे, h पीछे। अब इसी पीछे h को h जो पीछे गया उस h को धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, तो पहुंच जाएंगे आप, निकल जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, करिए भाई। तो इसको तो रहने दीजिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज रहने दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब 1 माइनस h कहाँ पुट करना है, x के जगह पे, जरा देखिएगा फंक्शन में ये एफ एक्स है, यही ना एफ एक्स, तो x के जगह पर मुझे 1 माइनस एच पुट कर देते हैं, यहाँ x के जगह पर 1 माइनस एच, तो क्या होगा जी, 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, फिर x माइनस 1, तो x के जगह पे है 1 माइनस एच माइनस 1, बात समझे, x का स्क्वायर x के जगह पे ना पुट हो रहा है, सब हो गया काम खत्म। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए आप, अभी भी रहने देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 रहने देते हैं। अब देखिए जरा ए माइनस बी का और उस पर क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 2 into 1 into h मतलब minus 2h plus b का square मतलब h का square फिर minus 1 फिर नीचे क्या है 1 minus h फिर यहाँ पे minus h कुछ चीज कट रहा है plus 1 यहाँ का minus 1 गया फिर और आइए और कुछ कटा क्या यहाँ का plus 1 यहाँ का ये यहाँ पे तो minus 1 है ना जी देखिए ऊपर में यहाँ पे तो plus 1 minus 1 यहाँ का भी गया बचा क्या है अब हमारे पास तो हमारे पास बचा है थोड़ा सा यहीं पे लिखते हैं हम हमारे पास बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ बचा है माइनस 2h प्लस का h स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस h यही देखिए नीचे में माइनस h है बचा हुआ ये बचा अब एक स्टेप कि भाई दोनों ऊपर में h है और नीचे में वो h है कॉमन लेकर के काट देते हैं तो नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे हम लोग दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां तक तो कोई दो राय नहीं है इसमें से हम h कॉमन करते हैं तो जैसे h कॉमन करेंगे तो यहाँ एक h है और यहाँ पे दो h है यहाँ का h कॉमन करेंगे तो माइनस 2 बचेगा जब हम h कॉमन करेंगे तो बचेगा माइनस 2 और वहां पे दो h था तो बचेगा एक h और नीचे में क्या है आपका माइनस h है ये h से h गया माइनस बचा हुआ है अभी तो माइनस ऊपर में जाके गुना हो जाता है तो कितना बनेगा तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अब ये माइनस जब गुना होगा तो क्या आएगा ये प्लस h माइनस बन जाएगा देखिए और यहाँ पे ये वाला माइनस जब गुना होगा तो ये माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा और फिर प्लस h माइनस h बन जाएगा तो 2 माइनस h और अब पुट करिए h इक्वल टू 0 लास्ट में जब सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद h टेंड्स टू 0 पुट करिए मतलब h 0 पुट करिए क्या डिफाइंड हो रहा है पुट करके देखिए h 0 पुट करने से 2 माइनस 0 इज 2 तो फाइनली आ गया इसका आंसर 2 तो क्या कह सकते हैं कि 10 लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू 2 तो हमने सिर्फ एक तरफ का लिमिट निकाला है क्या एक तरफ के लिमिट निकालने से बोल पाएंगे कि इसका लिमिट 2 आया है नहीं हमने सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जैसे लेफ्ट के लिए हमने 1 से पीछे गए थे अब राइट निकालने के लिए क्या करेंगे 1 से थोड़ा आगे आ जाते हैं कितना आगे जी तो 1 प्लस एच 1 प्लस एच पे निकालते हैं और फिर एच टेंड्स टू 0 करके एच को धीरे धीरे यहाँ पे जितना जो एच गए हैं उस धीरे धीरे एच को कम कर दिए एच टेंड्स टू 0 कर दिए काम हो जाएगा राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं नाउ राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होता है कि लिमिट लगाया जाता है h टेंड्स टू 0 इस बार भी बस यहाँ पे क्या होगा f ऑफ 1 1 प्लस h होगा इस बार मतलब 1 के आगे जाना है फिर धीरे धीरे h को 0 करना है क्या यही बात यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे जो लिखा हुआ था राइट हैंड लिमिट में इस तरीके से a प्लस h फिर h टेंड्स टू 0 अरे बस मिल गए आइए वापस से तो जल्दी से हम पुट करते हैं तो फिर तो वही बात हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 1 प्लस h पुट करना है तो मतलब क्या था फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 प्लस h का स्क्वायर
माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एच माइनस वन। फिर से वही थोड़ा सा हम यहीं पे सॉल्व कर ले या आगे सॉल्व कर ले। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पर टूटेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और फिर वन प्लस मतलब वन प्लस टू एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एच माइनस वन। ये दोनों गया, यहां से ये दोनों गया। फिर से इस बार है वही चीज, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या है टू एच प्लस एच स्क्वायर, एच कॉमन कर लिया तो कितना आएगा टू प्लस का h आएगा डिवाइडेड बाई एगो h है, ये दोनों गया तो फाइनली कितना आ गया जी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो है और यहाँ पे कितना है टू प्लस h बच रहा है, h जैसे जीरो पुट करेंगे तो आंसर कितना गया टू। तो यहाँ पे फिर से एक लाइन हम लिख सकते हैं कि दस राइट हैंड लिमिट जो आ गया है वो कितना आ गया टू आ गया। तो आप देखिए तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाले टू आया, राइट हैंड लिमिट भी टू आया, ठीक है। हाँ बिल्कुल आकाश, कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए बात समझ में आ रहा है, तो हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकाले टू आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू आ गया, तो क्या कह सकते हैं जी, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 10 हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड, या फिर हम एक लाइन लिख सकते हैं हेयर, हमने ये चीज नोटिस करा कि हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू टू, तो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू टू मतलब लिमिट टू है इसका, तो देयर फॉर हम ये लाइन लिख सकते हैं, देयर फॉर इसका जो लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू वन, और एफ एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इसका वैल्यू टू होगा, दिस इज योर आंसर। तो एक ही क्वेश्चन को हमने तीन तरीके से सॉल्व करा, तीनों ही मैथड्स हमने देखे, फैक्टराइजेशन मैथड, रेशनलाइजेशन मैथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मैथड। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से लिमिट का कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अगर आप लोग कहेंगे तो हम और आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, तो या फिर अगर आप लोग ये कहें तो फिर हम यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लासेस में। हालांकि मुझे और भी कुछ बताना था, थोड़ा सा मॉड के बारे में कुछ बताना था, मॉड का कुछ प्रॉपर्टी बताना था, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बारे में बात कर सकें। जल्दी से एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए क्या क्लास सबको समझ में आ गया, या कहीं पे और डाउट है आप लोग को बताइए। चलिए वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये थोड़ा बड़ा मेथड नहीं है, पर जैसे ही आप लोग चीजों को प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए हर मेथड हर क्वेश्चन में आपका ये मेथड से हो जाए, फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इतना आसान होगा क्या, हालांकि आपको ये सब बनाना भी नहीं है, आपको चीजों को समझा पाए आगे क्लासेस में हम बात कर पाए, इसलिए ये सब आपको थोड़ा सा बताया गया। चलिए बाकी सभी लोग बताइए क्या सबको समझ में आया, या कहीं पे डाउट है किसी बच्चे को बताइए। हाँ क्लियर, वेरी गुड सोना, बहुत अच्छा। चलिए और बताइए मतलब, और आपको ये बताना है कि ये क्लियर हो गया और आगे क्लास बढ़ाएं या फिर कल बताएंगे आगे, बताइए। चलिए सरिता, अच्छा सीता आ रहा ना, हाँ बहुत अच्छा पंकज, हाँ वेरी गुड हीना। चलिए अब आप लोग ना अगला क्लासेस जो है स्टूडेंट, अगला क्लास जो होगा कल शाम को 5 बजे से लेते हैं, ठीक है 5 बजे से। हम लोग का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में हम लोग यूट्यूब पे जैसे लाइव है उस तरीके से कल हम लोग एप्लीकेशन में लाइव होंगे, और सभी बच्चे जो अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं वे अगर चाहें तो इस तरीके से हम लोग पूरा कोर्स पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत ही ईजी वे में, बहुत एकदम कितना भी कठिन से कठिन टॉपिक हो बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, और जब तक तब तक समझाया जाएगा जब तक आपको समझ नहीं आ जाए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मेजर पेपर 4 कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे, मेजर पेपर 5 भी कंप्लीट पढ़ाएंगे। उसके लिए आप लोग को एक छोटा सा फी पे करना होगा, क्योंकि हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको एक बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा सके, तो उसके लिए एक फी पे करना होगा। फी जो है हम लोग का दोनों पेपर का, मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 कंप्लीट कोर्स का जो फी है वो आपको 1000 पे करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग आपको कॉमन पेपर के नोट्स, कॉमन पेपर पे भी लेक्चर्स वगैरह, इस बार भी आपको मैथमेटिकल पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस नए के अकॉर्डिंग कॉमन पेपर में सेक पेपर में मैथमेटिकल पढ़ना है, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम लोग गाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हर एक तरीके से मदद करेंगे। इसके लिए आपको हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना है, 1000 पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग बहुत सेंसर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए जी समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट कल के क्लासेस में, ठीक है। बाकी इस क्लास का नोट्स, अभी जो भी हमने पढ़ा है इस क्लास का नोट्स वगैरह जो है आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं स्टूडेंट कल हम लोग एप्लीकेशन में।